जल्द ही आपको इम्पोर्टेड दही, इम्पोर्टेड दूध, इम्पोर्टेड पनीर और मक्खन जैसे चीज खाने को मिलेंगे, वो भी सस्ते में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत में वित्त मंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। इस बैठक में 16 देशों के साथ कारोबार के लिए करार के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। दरअसल सरकार का एक बड़ा हिस्सा आपस में इस मुद्दे पर बंटी हुई है। एक बड़ा हिस्सा ये मानता है कि हमें इस पर करार करना चाहिए, दूसरा हिस्सा ये मानता है कि हमें करार नहीं करना चाहिए, क्योंकि करार करने से घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान होने की संभावना है या फिर आशंका है। भारत समेत 16 देश आपस में कारोबारी रिश्ते को लेकर एक करार करने वाले हैं, जिसको फाउएड कहा जाता है। ये जो 16 देश हैं, इनमें चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस और सिंगापुर जैसे देश शामिल हैं। करार हो जाने पर उन देशों से भारत में जो सामान इंपोर्ट होता है, उस पर से इंपोर्ट ड्यूटी सरकार को 70-75% कम करनी पड़ेगी। यानी उन देशों से सामान काफी सस्ते में भारत आ सकेगा। ऐसे भी भारत से सामान काफी सस्ते में उन देशों में जा सकेगा। भारत सरकार को फायदा ये होगा कि एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ेगा। नुकसान ये होगा कि जो सामान सस्ते में आएंगे, उससे घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान होगा। यही वजह है कि खास तौर पर डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां, केमिकल बनाने वाली कंपनियां, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां इसका काफी ज्यादा विरोध कर रही हैं और इससे घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन तत्कालिक फायदा ये मिलेगा कि आपको इम्पोर्टेड दही, इम्पोर्टेड दूध, इम्पोर्टेड पनीर और मक्खन जैसी चीजें खाने को मिलेंगी, वो भी काफी सस्ते में। इसके साथ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट भी सस्ते में मिलेंगे। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।